हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए आज हम बनाएंगे बिल्कुल आसानी से बनने वाला मज़ेदार सा चिकन। चिकन तो आप कई बार और कई तरीके से बनाए होंगे, एक बार मेरे तरीके से इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। इसे आप पराठा, कुलचा, नान, रुमाली रोटी या फिर चावल के साथ भी खा सकते हैं। इसे आप जैसे भी खाइए, इसका टेस्ट तो बहुत ही लाजवाब रहता है। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए आज की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। आज की रेसिपी के लिए मैंने 1 kg चिकन लिया है। इसे हल्दी और नमक लगाकर अच्छे से धो लिया है। हल्दी और नमक लगा के धोने की वजह से चिकन में की जो भी स्मेल होती है वो चले जाती है। अब इसमें डालते हैं 2 teaspoon गार्लिक जिंजर पेस्ट। हल्दी से धोने की वजह से चिकन का कलर थोड़ा सा येलो लग रहा है। अगर आप हल्दी से नहीं धोना चाहो तो नॉर्मल तरीके से खाली पानी से भी धो सकते हैं। चलिए अब हम इसमें डालेंगे हसबे ज़रूरत नमक। अगर आप भी चिकन को नमक और हल्दी से धोए हैं या सिर्फ नमक से धोए हो तो इस स्टेज पे नमक हम थोड़ा सा कम डालेंगे, क्योंकि चिकन को नमक से धोने की वजह से चिकन नमक को थोड़ा सा अब्जॉर्ब कर लेता है, इसमें नमक का टेस्ट भी आ जाता है, इसीलिए अब हम नमक थोड़ा सा कम डालेंगे। अब इसमें डालेंगे 1/2 teaspoon होममेड गरम मसाला। गरम मसाले में लौंग, इलायची, दालचीनी, शाहजीरा को मिक्स करके ग्राइंड करेंगे, उसका पाउडर इसमें डालेंगे और दूसरे मसालों को डालेंगे तो इसका टेस्ट बदल जाएगा। आज की रेसिपी के लिए सिर्फ इन्हीं मसालों को यूज़ करना है। 1 kg चिकन के लिए 1/4 teaspoon शाहजीरा यानी ब्लैक क्यूमिन, 1/2 inch दालचीनी, 3 हरी इलायची और 2 से 3 लौंग को ग्राइंड करके इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हसबे ज़रूरत लाल मिर्च पाउडर। आज की रेसिपी का कलर बिल्कुल रेड होगा, इसीलिए इसमें हम हल्दी का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसमें हमने सारे पाउडर मसाले डाल दिए हैं। अब डालते हैं कुछ खड़े मसाले। आज मैं 1 kg चिकन से इस रेसिपी को बना रही हूँ तो मसाले भी उसी हिसाब से बता रही हूँ। अगर आप चिकन की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा कर रहे हैं तो मसालों की क्वांटिटी भी उसी हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर दीजिए। 10 से 12 कवाब चीनी डालेंगे। साथ में डालते हैं 2 bay leaves, 2 से 3 हरी इलायची डालेंगे, 3 लौंग डालेंगे। अब डालते हैं 1/2 teaspoon शाहजीरा यानी ब्लैक क्यूमिन, 12 से 15 साबुत काली मिर्च डालेंगे। अब डालते हैं दालचीनी। खड़े मसाले डालने के बाद अब डालते हैं ग्रीन चिल्ली सॉस, ये लेंगे 2 teaspoon। 1/2 teaspoon डालते हैं सोया सॉस। सारे मसाले इसमें डालने के बाद अब इसे रेड कलर देने के लिए ऐड करेंगे फूड कलर। आप इसे कितना रेड रखना चाहते हैं उसी हिसाब से इसमें फूड कलर ऐड कर सकते हैं। हसबे ज़रूरत लेमन जूस डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे मिक्स करके साथ ही बना सकते हैं, लेकिन मैं इसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूंगी। मिनिमम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया रहेगा। मैक्सिमम आप इसे ओवरनाइट के लिए भी छोड़ सकते हैं। अगर इसे आप ओवरनाइट के लिए रखना चाहते हैं या फिर 4 से 5 घंटे के लिए रखना चाहते हो तो फ्रिज में रखना होगा। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है। मैं इसे 2 घंटे में बना रही हूँ तो इसमें थोड़ा सा मैं दही मिलाऊंगी। दही मिलाने की वजह से चिकन अच्छे से गल जाता है। अगर आप इसे 5 से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट के लिए छोड़ना चाहते हो तो दही इसमें मत मिलाइए। अभी मैं इसमें तकरीबन 50 ग्राम दही मिला रही हूँ। इसे अच्छे से मिक्स करके रख देंगे, बाद में हमें और दही इसमें ऐड करना है। इस रेसिपी का असली टेस्ट दही से ही आता है। इस रेसिपी के लिए हम बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ करेंगे। अगर आप दही की क्वांटिटी कम या फिर ज़्यादा करना चाहो तो कर सकते हैं। देखिए दही तो इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। अब डालते हैं 2 teaspoon बटर। बटर डालने के बाद एक बार फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ये तो अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे ढककर तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। देखिए इसे मैरिनेट किए हुए 2 घंटे हो चुके हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। कढ़ाई में डालेंगे तेल। हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गरम करेंगे। इस तेल में हमें ऑनियन को फ्राई करना है। तेल गरम होने तक मैंने बड़े साइज के 4 ऑनियन को भी कट कर लिया है। देखिए तेल अच्छे से गरम हो गया है। अब इस तेल में हम डालेंगे ऑनियन। जिस तरीके से बिरयानी के लिए प्याज को कट करते हैं
बिल्कुल उसी तरीके से इस रेसिपी के लिए प्याज को कट करना है। देखिए इस तरीके से उंगलियों की मदद से प्याज को खोलते हुए तेल में डालेंगे, या फिर आप पहले से ही प्याज को खोल लीजिए ताकि ये इक्वली फ्राई हो। गैस की फ्लेम हाई रखकर ही प्याज को फ्राई करेंगे। बिरयानी के लिए जिस तरीके से फ्राई करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से फ्राई करना है। इस तरीके से प्याज को फ्राई करने के बाद आप इसे ठंडी करके जिपलॉक बैग में डालकर स्टोर करके रख सकते हैं। आप किसी भी रेसिपी में यूज़ करना चाहो तो उसे कर सकते हैं, जैसे कि बिरयानी, खोरमा और भी कोई भी रेसिपीज में इस प्याज को यूज़ कर सकते हैं। प्याज फ्राई करते वक्त हम गैस की फ्लेम हाई रखेंगे और इस तरीके से इसे मिक्स करते रहेंगे। अगर हम इसे मिक्स नहीं करेंगे तो इसके साइड से फ्राई हो जाएगा और बीच में ये कच्ची रह जाएगी, इक्वली फ्राई नहीं होगी। इसे इक्वली फ्राई करने के लिए इस तरीके से मिक्स करते रहना ज़रूरी है। देखिए प्याज का कलर हल्के से बदल रहा है, इसे इसी तरीके से मिक्स करते हुए फ्राई करना है। देखिए अब ऑनियन लाइट गोल्डन कलर की हो चुकी है, अब स्टेज पे ये बहुत जल्दी जल जाएगी, इसीलिए बहुत ही एहतियात से फ्राई करेंगे और बहुत ज़्यादा इसे फ्राई नहीं करना है, बस थोड़ी सी देर फ्राई करके इसे तेल से निकाल लेंगे। देखिए प्याज को इस स्टेज पे हमें तेल से निकालना है, थोड़ी सी वाइट भी दिख रही है लेकिन ये अपनी गर्मी में फ्राई हो जाएगी। अगर तेल में ही इसे और डार्क कलर करेंगे तो ठंडी होने तक इसका कलर बिल्कुल काला हो जाएगा, इसीलिए इसी स्टेज पे इसे तेल से निकालना है। देखिए ये कलर लाइट लग रहा है लेकिन ये ठंडा होने के बाद इसका कलर और थोड़ा सा डार्क हो जाएगा। आप इसी तरीके से प्याज को फ्राई करके ठंडी होने के बाद जिपलॉक बैग में डाल के स्टोर करके रख सकते हैं। लेकिन आज मैं जो भी प्याज फ्राई किए हूँ ये सारी आज की रेसिपी में हम यूज़ करेंगे। देखिए चिकन को मैंने इस लगन में शिफ्ट कर लिया है क्योंकि चिकन को मैं इसी में पकाऊंगी। आप जिसमें भी पकाना चाहते हैं उसी बर्तन में चिकन को शिफ्ट कर लीजिए मैरिनेट करने के बाद। अब इसमें डालेंगे हम तेल। तेल मैं वही यूज़ कर रही हूँ जो इसमें हमने प्याज को फ्राई किया है। देखिए मैं इसमें एक चम्मच तेल डाल रही हूँ, अगर आप तेल ज़्यादा डालना चाहो तो डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे कटी हुई हरी मिर्च, हरी धनिया और पुदीना। अभी मैं गैस की फ्लेम ऑफ रख कर ही ये सारा प्रोसेस कर रही हूँ। अब इसमें डालते हैं फ्राइड ऑनियन। देखिए ऑनियन ठंडी होने के बाद कितना बढ़िया से कलर आया है। अगर हम तेल में ही इसे डार्क गोल्डन कलर आने तक फ्राई करते तो ये ठंडी होने तक कलर काला हो जाता और प्याज का टेस्ट कड़वा हो जाता, इसलिए प्याज फ्राई करते वक्त बहुत ही एहतियात से लाइट गोल्डन कलर आते ही तेल से प्याज को निकालना होगा। थोड़ी सी फ्राइड ऑनियन हम अलग से रख लेंगे, उसे हम गार्निशिंग में यूज़ करेंगे। प्याज डालने के बाद एक बार इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम ऑन करेंगे, हाई फ्लेम पर इसे तकरीबन 5 मिनट तक पकाएंगे। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी हमें फीडबैक ज़रूर दीजिए। अगर पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ में फैमिली और फ्रेंड्स को भी शेयर कर दीजिए। बेल बटन दबाना तो बिल्कुल भी मत भूलिए, ताकि जब भी मैं इस तरीके के मज़ेदार और आसानी से बनने वाले रेसिपीज अपलोड करूँगी आपको उसके नोटिफिकेशन आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप मेरे वीडियोस बिना सब्सक्राइब किए देख रहे हो तो आप भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि इस तरीके के मज़ेदार से रेसिपीज आप तक भी आसानी से पहुंच जाएं। इस तरीके से हर थोड़ी देर पर इसे मिक्स करते हुए हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बिना ढके पकाएंगे। चलिए ये पकने तक हम इसमें डालने के लिए दही तैयार कर लेंगे। ये मैंने 200 ml मिल्क लिया है। इसमें अब मैं जो दही डालने वाली हूँ वो बहुत ज़्यादा खट्टा है, इसीलिए दही की खटास को कम करने के लिए मैंने दूध का इस्तेमाल किया है। इस रेसिपी की ग्रेवी बनाने के लिए हम और कोई मसालों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, दूध, दही और प्याज से ही इसकी ग्रेवी बनेगी। अगर आपका दही बिल्कुल फ्रेश है तो दूध स्किप कर सकते हैं। अब इस दूध में डालेंगे तकरीबन 200 ml दही। दही डालने के बाद इसे अच्छे से फेंट लेंगे। मेरे तरीके से आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगी। दही की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। बिल्कुल फ्रेश दही यूज़ कर रहे हैं तो ज़्यादा डालिए, अगर बहुत ज़्यादा खट्टा हो तो इसकी क्वांटिटी कम डालिए। इस तरीके से इसे अच्छे से फेंट लेंगे।
देखिए ये तो दही अच्छे से फेंट लिया है। चलिए अब हम चिकन को भी चेक कर लेंगे। देखिए इसे पकते हुए हाई फ्लेम पर तकरीबन 5 मिनट हो गए हैं और 1 से 2 मिनट तक इसी तरीके से इसे हाई फ्लेम पर पकाएंगे। मैंने आपके साथ डिफरेंट टाइप के चिकन की रेसिपी शेयर किया है, कुछ फ्राई तो कुछ ग्रेवी वाले, और बिरयानी की रेसिपी भी शेयर किया है। सभी का टेस्ट बहुत ही लाजवाब रहता है और हर रेसिपी का टेस्ट बिल्कुल अलग मिलेगा। आप उन रेसिपीज़ को देखे होंगे, अगर नहीं देखे हों तो आई बटन से चेक कर सकते हैं। देखिए इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 7 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे दही। दूध और दही को जो हम मिक्स करके फेंट के रखे हैं वो इसमें ऐड करेंगे। देखिए जो हम दूध और दही को मिक्स करके रखे थे वो तो इसमें डाल दिए हैं। गैस की फ्लेम हम हाई रखेंगे और 5 से 7 मिनट तक हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। देखिए इसे हाई फ्लेम पर पकते हुए तकरीबन 4 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम। अगर आप क्रीम नहीं डालना चाहो तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन क्रीम से इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। अगर आपके पास क्रीम अवेलेबल नहीं हो तो आप दूध पे की मलाई को भी ग्राइंड करके इसमें डाल सकते हैं। मैं इसमें 2 टीस्पून क्रीम डाल रही हूँ। आप अपनी चॉइस के हिसाब से क्रीम कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे। इसे ढककर इसमें का पानी बिल्कुल ख़त्म होने तक लो फ्लेम पर ही पकाना है। इसे लो फ्लेम पर पकने में तकरीबन 30 मिनट तक लगेंगे। बीच बीच में इसे हम चेक करते रहेंगे। 5 से 7 मिनट के बाद इसे मिक्स करते हुए इसमें का पानी ख़त्म होने तक पकाना है। तब तक चिकन भी अच्छे से गल जाएगा। इसे पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं। चलिए एक बार फिर इसे चेक कर लेंगे। देखिए इसमें का पानी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। इसी तरीके से इसे लो फ्लेम पर और 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। देखिए चिकन भी अच्छे से गल गया है। अगर आप इसमें इस तरीके से ग्रेवी रखना चाहते हो तो इस स्टेज पे गैस की फ्लेम बंद कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे और 2 से 3 मिनट तक पकाऊंगी। देखिए इसके साइड्स पे अच्छे से तेल आ गया है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुका है। इसमें का पानी सारा ख़त्म हो गया है। अब हम गैस की फ्लेम बंद करेंगे, इसे डिश आउट करेंगे, गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये ठंडा होने के बाद और थोड़ा सा ड्राई हो जाएगा। इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसे आप पराठा, रोटी, कुलचा, नान या फिर वाइट राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। गर्मा गर्म सालन को डिश आउट करेंगे, हरी मिर्च, फ्राइड ऑनियन और मिंट के साथ गार्निश करके सर्व करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं कोई मज़ेदार रेसिपी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। बाय बाय।